हेलो दोस्तों, सो वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज मैं सिमरन कॉलेजेस 18 की तरफ से नोएडा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी का इंटरव्यू आपके सामने पेश करूंगी, जहां खुद हमें सर बताएंगे पूरी स्टोरीज एनआईयू के बारे में। कुछ शिकायतें भी आपकी तरफ से हैं, वो भी आज हम क्लियर करेंगे, और बहुत सारे क्वेश्चंस के साथ सर आज हम इसको शुरू करते हैं। नोएडा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी का सर टूर तो हम ले चुके हैं और कैंपस बहुत ही शानदार बना हुआ है, उसमें तो नो डाउट कोई कमी ही नहीं है सर। लेकिन आपकी तरफ से आप अगर हमें बताएं कि क्या स्टार पॉइंट्स हैं इस यूनिवर्सिटी के बारे में। फीस बहुत रीजनेबल है, प्लस फैकल्टी से जितना हमारा इंट्रैक्शन हुआ है उसमें पता है कि सारी एक्सपीरियंस्ड फैकल्टी है। बट सर ये तो आजकल हर कॉलेज प्रोवाइड कर रहा है, यूनिवर्सिटीज प्रोवाइड कर रही है, कुछ ऐसे स्टार पॉइंट्स आप अगर बच्चों को बता सके कि बच्चा एनआईयू में एडमिशन क्यों ले, तो वो आप थोड़ा सा बता दीजिए सर। थैंक यू सो मच सिमरन मैम कि आपने मुझे एक अपॉर्चुनिटी दी है कॉलेज की तरफ से कि मैं कुछ बच्चों के बारे में, कुछ अच्छा भविष्य के बारे में बता सकूं। तो सबसे पहले तो मैं यही बताना चाहूंगा, नोएडा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी एक अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय है, जहाँ पे जो सबसे बेस्ट यूएसपीज है वो ये है कि हमारे पास 26 कंट्रीज के इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं जो हम लोगों के पास स्टडी कर रहे हैं, जैसे लाइक घाना, क्यूबा, नाइजीरिया, भूटान, अफगानिस्तान, नेपाल। दूसरा जो सबसे बड़ी यूएसपीज यूनिवर्सिटीज की वो ये है कि जो पैरामेडिकल्स के प्रोग्राम हम लोग रन कर रहे हैं उसमें बच्चे को ट्रेनिंग के लिए इन हाउस हॉस्पिटल हमारा है NIIMS, नोएडा इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एंड हॉस्पिटल, जिसमें बच्चे को हम फर्स्ट ईयर से ही ट्रेनिंग सेशन देना स्टार्ट कर देते हैं। जो काफी सारे दूसरे कॉलेजेस में बच्चे को फाइनल ईयर में आके ट्रेनिंग्स मिल रही है, वो हमारे पास बच्चे को फर्स्ट ईयर से ही ट्रेनिंग के लिए हम बच्चे को हॉस्पिटल भेजना स्टार्ट कर देते हैं कि बच्चा हॉस्पिटल जाके देख सकता है। जैसे कोर्स है हमारे पास BSc रेडियोलॉजी एंड इमेजिंग, तो बच्चा उसमें जाके देख सकता है किस तरह से एक्सरे के लिए प्लेट्स मुझे सेट करनी है, मेरे को अल्ट्रासाउंड करना है तो अल्ट्रासाउंड में क्या क्या चीजें हैं, कैसे मुझे चीज करनी है। तो हम फर्स्ट ईयर वाले बच्चे को भी वो स्टार्ट कर देते हैं जो दूसरे कॉलेज और दूसरी यूनिवर्सिटी में बच्चे को फाइनल ईयर में आके मिल रहे हैं। बिल्कुल सर, प्रैक्टिकल नॉलेज है भी बहुत ज्यादा जरूरी। बट सर बच्चों का एक सवाल है, इंटरनेट पे भी अगर हम फैले रिव्यूज की माने तो बच्चों को लगता है कि एनआईयू में सिर्फ मेडिकल कोर्सेज में प्लेसमेंट है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे सर? ऐसा नहीं है, हमारा इन हाउस हॉस्पिटल है तो बच्चों को ऐसा लगता है कि खाली हॉस्पिटल वाले जो प्रोग्राम्स है पैरामेडिकल के उन्हीं में बच्चों को अच्छे प्लेसमेंट्स मिलेंगे। इसके अलावा अगर मैं बात करूँगा बीटेक कंप्यूटर साइंस में जो हमारा हाईएस्ट प्लेसमेंट गया है वो 17 लाख का गया है। एक ऑन एन एवरेज प्लेसमेंट की बात अगर करता हूँ तो 4 to 5 लाख का ऑन एन एवरेज प्लेसमेंट बच्चों को मिल रहे हैं। काफी सारे बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने BBA किया है हमारे हॉस्पिटल हेल्थ मैनेजमेंट से, उन बच्चों को इन हाउस हॉस्पिटल में ट्रेनिंग्स मिली हैं, बच्चों के अच्छे प्लेसमेंट्स हुए हैं, 7 से 8 लाख के बीच में बच्चों का प्लेसमेंट हुआ है। MBA करने के बाद जो हमारा हाईएस्ट प्लेसमेंट हुआ है KPMG में बच्चा गया हमारा 28 लाख में। तो मैम ये जो बच्चों के रिव्यूज हैं, ऐसा हो सकता है कि जिन बच्चों ने पैरामेडिकल के प्रोग्राम्स किए हैं उनको अच्छे प्लेसमेंट्स मिल रहे हैं, या जिन्होंने बीटेक किया है MBA किया है उनको थोड़ा कम पैकेज वाले प्लेसमेंट्स मिले हैं। बिल्कुल सर, वो रहता ही है। ये एक्चुअल प्लेसमेंट्स है सर, मतलब ये बिल्कुल एक्चुअल प्लेसमेंट्स हैं। बच्चे को 3 या 4 कंपनी के ऑफर लेटर्स भी बच्चों को मिले हैं कि बच्चों के सामने ऑप्शंस थे कि बच्चा किस कंपनी में जाके ज्वाइन कर सकता है। ठीक है, और सर हमने सुना है NIU में काफी शूटिंग्स भी होती हैं, तो पढ़ाई का टाइम बच्चों को किस तरह से मिलता है फिर? मैम ये एक्चुअल है, अभी जो लास्ट और लेटेस्ट अभी जो शूट हुआ है वो Tiger 3 सलमान खान जी का शूट हमारे यहाँ पे हुआ है, योद्धा मूवी का भी एक शूट हुआ है जिसमें सिद्धार्थ मल्होत्रा है। तो मैम मंडे टू फ्राइडे हमारे यहाँ क्लासेस होती हैं, मंडे टू फ्राइडे 9:30 से 4:30 हमारा क्लासेस का टाइम है, सैटरडे संडे जो ऑफ होता है उसी में हम कैंपस जो है अपना शूटिंग लोकेशंस के लिए हमको अलाउ करते हैं ताकि बच्चों को कोई प्रॉब्लम ना आए, लेक्चर्स मिस हो रहे हैं। ठीक है, और सर फेस्ट का क्या रहता है, मतलब एक हैपनिंग एनवायरनमेंट, कैंपस इतना ब्यूटीफुल है ही सर, बट फेस्ट एक बच्चों को बहुत ना इंट्रैक्ट करते हैं कि कुछ हैपनिंग एनवायरनमेंट हो, कुछ इवेंट्स हो, EDM नाइट्स हो, DJ नाइट्स हो, सेलिब्रिटीज का आना जाना, वो कैसे रहता है? मैम अभी जो लेटेस्ट हमारे यहाँ हुआ तो फेस्ट हुआ था, जैसे बच्चों को फ्रेशर्स पार्टी होती है तो हमारा डे और नाइट और सेलिब्रेशन चलते हैं, उसमें हमारे यहाँ प्रियंका चोपड़ा है और गोविंदा है, इमरान हाशमी है, इन सब लोगों ने हमारा कैंपस विजिट्स किया हुआ है, इमरान हाशमी हमारे यहाँ आए हुए हैं। तो मैम टाइम टू टाइम जो है ईयरली बच्चों को फेस्ट की फैसिलिटी मतलब हमारे कैंपस में रहती है। और सर
यहाँ कॉलेजेस 18 की तरफ से जैसे काफी बच्चे हमारे पास कॉल करते हैं, गाइडेंस लेते हैं अपने पर्टिकुलर किसी कोर्स के लिए, किसी कॉलेज के लिए, उनका रिस्पॉन्स कैसा रहता है जब आप तक बात होती है बच्चों की? मैम देखिए, मेरे पास जो बच्चा कॉलेज 18 की साइड से आ रहा है, तो सबसे पहले तो मैम बच्चों के लिए बहुत बड़ी एक अपॉर्चुनिटी फरीदाबाद में ये है कि कॉलेज 18 के प्रीमाइसिस ऑफिस में जाके बच्चा विजिट करता है, तो प्रॉपर गाइडेंस वो बच्चों को दे पा रहे हैं कि आफ्टर 12th आपके पास क्या क्या अपॉर्चुनिटी है, किस फील्ड में जाके अपना करियर बिल्डअप कर सकते हैं। तो कॉलेज 18 की साइड से हमारे पास जो बच्चे आ रहे हैं वो बहुत ही ब्रिलियंट बच्चे हैं, प्लस वो करियर में आगे ग्रोथ करना चाह रहे हैं और उनको खुद को पता है कि हमें क्या कोर्स सजेस्ट किया है कॉलेज 18 और किस कोर्स में हमें आगे जाके करियर चूज करना है। बिल्कुल सर, बिल्कुल, क्योंकि हम जो सर मैं बच्चों को भी यही बताना चाहूंगी कि जो आपकी क्वेरीज होती है उनको प्रॉपर हम R&D अच्छे से करके तभी आपको पर्टिकुलर कॉलेज का सजेशन देते हैं अकॉर्डिंग टू योर बजट, अकॉर्डिंग टू जो कोर्स आप करना चाहते हैं। NIU की पूरी इनसाइड स्टोरीज जो खुद हमें सर से ही मिली है दोस्तों, बाकी किसी भी क्वेरीज के लिए हमारे हेल्पलाइन नंबर पे आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं या डिस्क्रिप्शन पे जो फॉर्म लिंक है आप वो फिल कर सकते हैं, ताकि अगर नोएडा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने का आप प्लान कर रहे हैं तो हमारे काउंसलर्स आपको कनेक्ट करके पूरा डिटेल दे सके। थैंक यू सो मच सर, बहुत अच्छा लगा आपसे बात। थैंक यू सो मच।